माय चैनल यूनिक रिव्यूज, जिसमें हम भी इससे बेस्ट कुछ यूनिक क्रिएशन करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक हैवी सितारे स्टोन वर्क वाली साड़ी का रिव्यूज, जो कि पहनने में काफ़ी हैवी एंड भारी होती हैं। तो उनको आप लाइट वेट में किस तरीके से ड्रेस बना सकते हैं, आज का कुछ इस तरीके का वीडियो है। तो चलिए फुल वीडियो वॉच कीजिएगा, स्किप मत करिएगा, और प्लीज़ वीडियो को पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए देखिए, ये है वो साड़ी जिसका मैं रिव्यूज़ करने वाली हूँ, और इसका पल्ला देखिए आप कितना हैवी है, फुल स्टोन वर्क इस पर भरे हुए हैं। लेकिन इसका जो वर्क है वो काफ़ी मतलब शाइनी है और काफ़ी अच्छा है, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा, लेकिन साड़ी है ना थोड़ी हैवी हो जाती है तो ज़्यादा पहनी नहीं जाती है। तो मैं इसके जो पल्ला है वही इसका सबसे ज़्यादा हैवी पार्ट है, आप देख सकते हैं, और अभी भी बिल्कुल नया रखा हुआ है। तो इसका भी मैं रियूज़ करूँगी, बट सबसे पहले मैं इस साड़ी में से इसके पल्ले को रिमूव कर दूँगी, जो इसका हैवी हैवी पल्ला है ना, वहाँ से लेके जो हमारा कमर तक आता है ना, उतने पल्ले को एटलीस्ट 1.5 या 2 मीटर तक मैं जितना भी हैवी पार्ट है इसका बिल्कुल निकाल दूँगी। बस आपको क्या करना है कि अपना जो भी जिस तरीके की साड़ी हो आपकी, देखिए सबसे पहले मैंने इसको इस तरीके से डबल में फैला लिया है, यानी कि कुल मिला के मैं 2 मीटर का निकाल दूंगी। 2 मीटर की ही साड़ी काफ़ी हैवी है, जो कि हमारे ब्रेथ से लेके पीछे पल्ले तक जाती है उतनी ही साड़ी हैवी होती है, और बाकी का नीचे बॉर्डर एरिया होता है तो वो हम रखेंगे, बस इतने पार्ट को हम अलग कर देंगे। देखिए मैंने यहाँ से इस तरीके को उसको अलग कर दिया है। अब इस पार्ट का भी हम रीयूज़ करेंगे, उसका वीडियो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, बट अभी हम इसको रख देते हैं, अभी इसका कोई काम नहीं है, हमें सिर्फ इस पार्ट का ही यूज़ करना है। देखिए इसमें नीचे की जो साइड है वो इस तरीके का वर्क है, हल्के हल्के से स्टोन लगे हैं, एक दो पैच वर्क है बड़ा वाला, तो बस इसको तो हमें चाहिए तो हम इसको रखेंगे। अब देखिए कितनी लाइट वेट हो गई है ये छूने में बिल्कुल, अब इसका कोई भी ड्रेस बनेगी तो बहुत ही लाइट वेट होगी और ईजिली आप इसे वेयर कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको इस तरीके से अपने को बिछा लेना है, और इसमें आपको कोई भी मतलब ज़्यादा निशान निशान की ज़रूरत नहीं है, बस डबल फोल्ड डाल लेना है आपको, आपकी वेस्ट जो है उसके अकॉर्डिंग बस 4-5 इंच ज़्यादा रखना है आपको, क्योंकि थोड़ा लूज चाहिए और आधा आधा इंच सिलाई में चला जाएगा। तो बस आपको इस हिसाब से इस तरीके से रख लेना है, और बस देखिए मैं हमने इसमें डबल फोल्ड किया है, कोई 4 फोल्ड नहीं डाले हैं बस। और आपको इसमें ये याद रखना होगा, अगर आपकी वेस्ट 34 है तो आपको 17 इंच का ही रखना होगा, या जैसे कि हम उसका चौथाई हिस्सा रखते थे वो नहीं, आपको हाफ़ ही रखना है, क्योंकि हम डबल फोल्ड कर रहे हैं तो डबल फोल्ड का मतलब हमें हाफ़ रखना है। तो बस आप इस तरीके से हाफ़ रख कर और उसको एकदम सीधा कट कर दीजिए इस तरीके से आपको मतलब अच्छे से, और स्ट्रेट है आप इसको थोड़ा पिन अप करके भी कट कर सकते हैं, बस इस तरीके से यहाँ तक आपको कट करना है। पूरा एक सीधा स्ट्रेट आपको कट कर लेना है इसको, और देखिए मैंने यहाँ पर इसको कट कर लिया है। अब हमारे पास ये देखिए एक स्कर्ट का लेंथ आ गई है, जो कि स्कर्ट वाइज हमारी बनेगी। तो अब आपको क्या करना है, ये हमारा बैक रहेगा और ये हमारा जो इस पर स्टोन वर्क है वो हमारा फ्रंट का हिस्सा रहेगा। तो देखिए सबसे पहले आप इसको खोल लीजिए, और जो ये हमारा जो दूसरा पल्ला बच गया है उसको हम साइड से रख देंगे। देखिए अभी हमें इसमें सिर्फ क्या करना है, हमें इसके ना जो ऊपर वाला हिस्सा है इसकी ज़रूरत है, और आधे पार्ट को हम निकाल देंगे कुछ इस तरीके से, देखिए लंबा सा रख के, और इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे, जो हमारा ऊपर का हिस्सा बचा था ना उसको हम निकाल देंगे इस तरीके से। और ये देखिए ये हमने निकाल लिया है, यस, जो दूसरा हिस्सा बचा था ना उसमें से हमने इसे निकाल लिया है। और ये देखिए अभी हमारे पास स्टोन वर्क का नीचे नीचे का रह गया है, तो इसको हम रखेंगे, और इसको हम क्या करेंगे, इसमें हमें हल्के हल्के से कट लगाने हैं ट्राइंगल शेप में कुछ इस तरीके से, आप यहाँ पर भी मतलब देख सकते हैं, और इस तरीके से आपको ट्राइंगल आप इस तरीके से ईजिली कर सकते हैं तो आप इस तरीके से कर लीजिए, अदरवाइज़ आप नहीं लगा सकते तो आप एक कार्डबोर्ड ले लीजिए, उस पर इस तरीके से ट्राइंगल शेप ड्रॉ कर लीजिए और उसको कट कर लीजिए, और इस तरीके से बस आपको इस पर रखना है, और आपको इसी के अकॉर्डिंग इसको दबा कर प्रेस करते हुए काट लेना है। इस अपने जो फ्रंट वाले हिस्से हैं, फ्रंट एंड बैक दोनों से ही ट्राइंगल शेप को आपको निकालना है इसमें से, तो आप कुछ इस तरीके से इसमें से अपने ट्राइंगल शेप निकाल लीजिए इस तरीके से, आपको कट करके अपने सीधे सीधे से ट्राइंगल शेप निकाल लेने, एकदम से स्ट्रेट रख कर आप जैसा भी है बिल्कुल शेप बाय शेप काट लीजिए। और देखिए मैंने यहाँ पर इनको कट कर लिया है,
और बस आपको इसी तरीके से ट्राइंगल अपने निकाल लेने हैं। हम एक्चुअली मैंने 6 निकाले हैं, बट मैं 4 ही यूज़ करूँगी, 4 या 5 ही यूज़ होंगे उसमें, क्योंकि ज़्यादा है नहीं। इसमें से हमें अपने आधे फ्रंट में लगाऊंगी, आधे हम अपने बैक पे लगाएंगे। तो चलिए किस तरीके से लगाने हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना जो हमारा फ्रंट वाला हिस्सा था ना, उसमें हमें कट लगा लिए थे, इस तरीके से कुछ कट हमने लगा दिए थे, और इनको अब हमें इस तरीके से फैला देंगे। देखिए इस तरीके से फैला देंगे, जो नॉर्मल वाइज था ना उसको कट किया है, और उसमें देखिए इस तरीके से फैला देंगे, क्योंकि हमने जो अपने ट्रायंगल शेप अभी कट किए हैं ना, उनको हम इनके बीच में अटैच करेंगे। तो ये ना नीचे से ऊपर से एकदम स्ट्रेट रहेगा, और नीचे से थोड़ा फ्लैरी मिल जाएगा हमें, काफ़ी घेर टाइप का इसमें मिल जाएगा। तो कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो देखिए इस तरीके से उन ट्रायंगल शेप को मैंने जॉइंट कर दिया है। ये देखिए ये हमारा बैक का है और ये हमारे फ्रंट का है, तो इनको हम इस तरीके से जॉइंट कर लिया है हमने। देखिए अब इस तरीके से हमारा ये लुक आ गया है, और ये हम बस दोनों को रख के और एकदम सीधी सिलाई लगा देंगे। दोनों साइड से आप सिलाई लगा दीजिए कुछ इस तरीके से, ये आपको इसमें सिलाई लगानी है नीचे, दोनों साइड आपको लगानी है, और बस आपकी ये स्कर्ट देखिए इस तरीके से तैयार हो जाएगी। और बस अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको इसमें जो हमने ऊपर का एक बल्ला निकाला था ना ये वाला, तो इसको हम इस एज ए दुपट्टा यूज़ करेंगे, और इसको हम यहाँ साइड से, पहले हम इसको अंदर से कहीं से नहीं लगाएंगे, बस इस तरीके से इसकी सिलाई के ऊपर रख देंगे और एकदम से सीधी सिलाई लगा देंगे बस इस तरीके से। हाँ इसको मतलब अंदर से डालकर जॉइंट नहीं करना है, आपको पल्ले को उल्टा रखकर इस तरीके से एक सिलाई लगा देनी है। और एंड जब आप इसे अपने इस तरीके से, देखिए मैंने हैंड से ही लगाई है, क्योंकि अगर आपको कभी रिमूव करनी हो तो आप ये वाला धागा एक क्लिक करेंगे ना तो वो सारा निकल जाएगा, तो आप उसे दूसरे तरीके से भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर हाथ से ही इस तरीके से टांग दिया है, थोड़ा बड़ा लग रहा था इसलिए मैंने एक छोटी छोटी सी प्लेट्स भी डाल दी हैं इसमें। तो बस अब आपको इस जब आप उल्टा करके मैंने इसको अटैच किया है, देखिए उल्टा है, और जब आप इसको इस तरीके से पलटेंगे तो ये सीधा हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको वैड करके भी दिखा देती हूँ। तो गाइस देखिए ये मैंने यहाँ पर इसको वैड किया हुआ है, इसका नीचे से आप लोग देख सकते हैं, मतलब ऊपर से एकदम स्ट्रेट है, नीचे से एकदम फ्लैरी है, और इसमें मैंने इसी से एक फ्लावर भी निकाल कर बनाया है। देखिए यहाँ से इस तरीके से अटैच किया हुआ है, और देखिए इस तरीके से इसका लुक आ रहा है, बहुत ही प्यारी लग रही है, एकदम लाइट वेट हो गई। आप इसे कभी भी समर्स में भी कभी भी कैसे भी पहन सकते हैं। और इसके साथ जो मैंने ब्लाउज़ वेयर किया है वो मैंने अमेज़ोन से बाय किया है, और यस वो बहुत ही काफ़ी अच्छा है, उसका लिंक भी मैं दे दूँगी, आप वहाँ चाहे तो बाय कर सकते हैं। और ये देखिए एक फ्लावर मैंने इस तरीके से बनाया है, और उसी का पैच वर्क एक एक्स्ट्रा बच गया था तो उसको निकाल कर मैंने उस पर अटैच कर दिया, तो ये इस तरीके से बना लिया है मैंने। तो आप इसको इस तरीके से अगर फोल्ड करके भी अटैच करना चाहते हैं तो आप इसे इस तरीके से भी वेयर कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा लुक आएगा। आप लोग मत भी इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए, अपनी हैवी साड़ी के साथ जरूर ये क्रिएशन कीजिएगा, बिकॉज बहुत ही लाइट वेट हो जाएंगी और आप इजली पहन भी पाएंगे, और आपकी साड़ी का भी रीयूज़ हो जाएगा, जो बरसों पुरानी आपके संदूक वगैरह में दबी पड़ी हैं तो उन्हें निकालिए और रीयूज़ कर डालिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोज़ लाती रहती हूँ। Thank you.